गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन फिजिक्स ऑनलाइन क्लास विद सुनील कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। टुडे वी टीच अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट। कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट क्वांटम मैकेनिक्स का एक टॉपिक है कि वेव पैकेट की अवधारणा, वेव पैकेट क्या है या वेव पैकेट की हमें जरूरत क्यों पड़ी। हम सिंपली किसी पार्ट, जैसे डी ब्रोगली ने कहा कि प्रत्येक गतिशील कण से संबंधित एक तरंग होती है और उस तरंग की तरंग दैर्ध्य को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। बट यदि तरंग है तो हमें एक तरंग पैकेट की आवश्यकता क्यों पड़ी। यदि किसी कण से संबद्ध डी ब्रोगली द्रव्य तरंग को एकल हार्मोनिक तरंग स्याही अक्ष टी से रिप्रेजेंट किया जाता है कि यहाँ जो पार्टिकल है मोशन में उससे जो रिलेटेड जो वेव है उस वेव को यदि हम एक हार्मोनिक वेव से रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। स्याही अक्ष टी इक्वल टू ए साइन के अक्ष माइनस ओमेगा टी। यहाँ अक्ष पोजीशन है, टी है उसका टाइम, ए है वो उसका एम्पलीट्यूड है, साइन है वो फंक्शन है, के है वो वेव नंबर है, ओमेगा है फ्रीक्वेंसी है। इस तरंग का जो वेग होगा, कला वेग, फेज वेलोसिटी, उसको हम लिखेंगे वीपी इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। यहाँ ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, टू पाई न्यू, और के इक्वल टू क्या होता है, टू पाई बाई लेमडा। तो यहाँ ओमेगा की जगह टू पाई न्यू और के की जगह टू पाई बाई लेमडा लिखते हैं तो हमें मिलता है वीपी फेज वेलोसिटी इक्वल टू लेमडा न्यू। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यू इक्वल टू वन अपॉन टी, तो वीपी इक्वल टू लेमडा अपॉन टी। लेमडा क्या है, वेव लेंथ है, एक वेव की लेंथ। किसी पार्टिकल द्वारा वेव फॉर्म में जो डिस्टेंस कवर की जाती है वन साइकिल में, जिसका टाइम होता है टी, उस लेंथ को हम कहेंगे वेवलेंथ लैम्डा, और टाइम हो गया टी। और वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया लैम्डा और टाइम हो गया टी, और वन अपॉन टी वापिस किसके रूप में आ जाएगा, न्यू के रूप में। बट न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन एच, क्यों, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू एच न्यू, तो न्यू इक्वल टू ई अपॉन एच। ओके, किसी वेव के लिए एनर्जी होगी वो होगी एम सी स्क्वायर अपॉन एच, तो एम सी स्क्वायर अपॉन एच। ओके, तो यहां इस न्यू की वैल्यू को हम पुट करते हैं तो वी पी इक्वल टू एम सी स्क्वायर अपॉन एच और लेमडा। ओके, या एम सी स्क्वायर एच अपॉन लेमडा, एच अपॉन पी इक्वल टू क्या हो गया, लेमडा, तो एच अपॉन लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी। तो एम सी स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा, पी, एम पी, पी इक्वल टू क्या होता है, एम वी, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो फेज वेलोसिटी होगी किसी भी एकल हार्मोनिक वेव की वो किसके बराबर हो जाएगी, वी पी इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन वी। यहाँ वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वी पी फेज वेलोसिटी ऑफ वेव और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। बट आइंस्टीन का जो रिलेटिविस्टिक सिद्धांत है, सापेक्षिकता का सिद्धांत है, उसके अनुसार क्या है कि किसी भी एम द्रव्यमान के लिए जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वो हमेशा पार्टिकल के वेलोसिटी से ज्यादा होती है। तो यदि हम सी को यदि बड़ा लिखे या बराबर लिखे किसके, वी के, तब वी पी इक्वल टू क्या होगा, वी पी होगा वो बड़ा हो जाएगा किससे, सी से, वी पी बड़ा हो जाएगा किससे, सी से। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यहां जो वी पी, वी पी क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव, जिसको हम क्या कहते हैं, फेज वेलोसिटी, ठीक है। और जो फेज वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव है वो किससे, सी से भी बड़ा हो गया।
ऐसी स्थिति में जो v है वो क्या है, c से छोटा है, मतलब पार्टिकल का वेग है वो तो c से छोटा है, और जो वेव का वेग है वो क्या हो गया, c से बड़ा हो गया, अर्थात तरंग का वेग कण के वेग से क्या हो गया, अधिक हो गया, और ऐसी स्थिति में तरंग कण को पीछे छोड़ देगी, जो कि एक संभव फेनोमेना नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। अतः एकल हार्मोनिक तरंग किसी भी गतिशील कण की संबद्ध तरंग नहीं हो सकती। हमने टॉपिक का हमारा स्टार्टिंग क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट, कि वेव पैकेट की अवधारणा, कि हमें एक पैकेट लेने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या होता है कि प्रत्येक पार्टिकल से रिलेटेड एक वेव होती है, और यदि उस वेव को हम एकल वेव मोनो वेव माने, उस स्थिति में हमें जो रिजल्ट मिलता है वो हमें सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो श्रोडिंगर के अनुसार किसी क्षण कण एक निश्चित लघु स्थान डेलक्स में निहित होता है, किसी क्षण जो पार्टिकल होगा वो एक छोटे से वॉल्यूम में निश्चित होगा, अतः किसी गतिमान कण से कोई एकल तरंग संबद्ध न होकर तरंगों का एक समूह होना चाहिए जो एक लघु स्थान में निहित हो, कि यहाँ एक पार्टिकल से रिलेटेड एक वेव नहीं होकर के क्या होना चाहिए, वेव्स का एक समूह होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, जो एक लघु स्थान में कण से संबद्ध तरंगों के इस समूह को ही हम क्या कहते हैं, वेव पैकेट कहते हैं। तरंग पैकेट का निर्माण लगभग समान आवृत्ति व तरंग दैर्ध्यों की अनेक तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त किया जा सकता है। यदि हम वेव पैकेट के कॉन्सेप्ट को लेकर के यहाँ फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि जो ग्रुप वेलोसिटी होती है वो पार्टिकल के वेव वेलोसिटी के इक्विवेलेंट होती है। तो ये क्या शो कर देगा कि जो वेव पैकेट है वो किसी पार्टिकल के वेव को रिप्रेजेंट करेगा। अध्यारोपित होने वाली तरंगों की कला व आयाम इस प्रकार होने चाहिए कि वे एक लघु स्थान में संपोषी व्यतिकरण व इससे बाहर विनाशी व्यतिकरण करें। तरंग पैकेट को एक तरंग फलन साई एक्स वाई जेड टी या साई आर टी से व्यक्त किया जाता है। किसी तरंग की सहचारित द्रव्य तरंग पैकेट को व्यक्त करने के लिए तरंग फलन में निम्न गुण होने चाहिए। तरंग पैकेट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तरंग फलन से, वेव फंक्शन से, और उस वेव फंक्शन में कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टियां क्या क्या है कि तरंग फलन का मान वहां अधिक होना चाहिए, सही एक्स टी का मान वहां अधिक होना चाहिए जहां कण के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। सेकंड है, तरंग फलन का स्वयं के साथ व्यतिकरण होना संभव होना चाहिए। थर्ड है, तरंग फलन एक कण के व्यवहार को व्यक्त करे। तरंग फलन क्या है, वेव पैकेट है, और वेव पैकेट किससे रिलेटेड है, एक पार्टिकल से रिलेटेड है। तो ऐसी स्थिति में एक वेव फंक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करे, ओनली एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट करे, न कि कणों के एक स्टेटिक डिस्ट्रीब्यूशन को। तरंग पैकेट में अध्यारोपित होने वाली तरंग का वेग, जो तरंग पैकेट होगा उसमें खूब सारी वेव्स होंगी, और उन वेव्स का जो वेग होगा उसको हम क्या कहेंगे, कला वेग या फेज वेलोसिटी, और संपूर्ण तरंग पैकेट का जो वेग होगा, आवरण का जो वेग होगा उसको हम कहेंगे ग्रुप वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे डीएक्स अपॉन डीटी, क्योंकि यहाँ डीएक्स एक छोटे से अंतराल में तरंग पैकेट निहित होता है, तो डेलक्स उसका विस्थापन हो गया और डेल्टी उसका समय अंतराल हो गया। तो डीएक्स अपॉन डीटी इक्वल टू वीजी, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल ओमेगा अपॉन डेल के। सिमिलरली फेज वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी वीपी इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, जो यहाँ अलग अलग जो वेव्स होंगी, एकल वेव्स होंगी, उनका जो वेलोसिटी होगा उसको हम फेज वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।